अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अरताल ऑनलाइन, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ नए जॉब्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, जो ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में BISPB कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ जॉब्स हमने अनाउंस किए थे, लेकिन उस वक्त उसकी अप्लाई स्टार्ट नहीं थी, सिर्फ इश्तहार हुआ था। यहाँ पे वैकेंसियों की टोटल तादाद जो है वो है 303, और ड्राइवर की भी कुछ असामियाँ इसमें शामिल हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं चार स्केल की 105 असामियाँ ड्राइवर की हैं। इसको जो है यहाँ पे कोटा वाइज भी तकसीम किया गया है, और यहाँ पे इसकी तालीम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है मिनिमम प्राइमरी पास, और किसी के पास अगर LTV या HTV हो तो, और उम्र की हद जो है 18 से लेकर 30 साल। तो इसके लिए ड्राइवर हजरा जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है चौकीदार एक स्केल वाले, यानी ये भी 99 पोस्ट हैं, तो इसमें भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे कोटे के मुताबिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस 99 पोस्ट में से KPK का कोटा नहीं है, तो लिहाजा आप लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते KPK वाले, लेकिन जो अदर कोटा से है, इस्लामाबाद से है, सिंध वाले जो है, सिंध में से फिर जो वो लोग जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बलोचिस्तान वाले। तो ऊपर ड्राइवर में KPK के तकरीबन 21 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 18 जनरल हैं, और एक जो है वुमेन है, और दो पोस्ट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए। तो नीचे दो पोस्ट के लिए KPK वाले अहल नहीं है, इसका ख्याल रख लें आप लोग। इसके लिए अप्लाई किस तरह करनी है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक दूसरा इश्तहार भी आज अनाउंस हुआ है, यहाँ पे हमने चैनल पे अपलोड किया है आज ही डेट में। ये वाला इश्तहार जो है ये भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आया है। इसमें जो है ना US सोशल प्रोटेक्शन ऑफिसर की तकरीबन 1997 वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की भी तकरीबन 672 असामियाँ KPK वालों के लिए हैं, जिसमें डेरा इस्माइल खान, लोर चतराल, मनसेरा, मोहम्मद एजेंसी और पेशावर शामिल हैं। तो ये इसके लिए भी अप्लाई आसान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, इसका फॉर्म भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि आपने फॉर्म किस तरह जो है ना इसका फिल करना है। तो ये इसके वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके कोरियर के ज़रिए आपने भेजने होते हैं, तो इसकी अप्लाई आप लोगों का जो है ना कन्फर्म हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं, आप लोगों ने जाना है सबसे पहले गूगल में, और गूगल में आप लोगों ने यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे दूँ, यहाँ पर आप लिख लें BISPI। तो ये आप लोग लिख लेंगे, जॉब वगैरह लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते लेकिन पहला वेबसाइट आप लोगों के सामने हो जाएगा। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ये दूसरे इश्तहार का है, लेकिन ऊपर आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोगों के सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जॉब्स पे यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों के सामने ये सारे इश्तहारात जो है ना ओपन हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं ऐसा कि यहां पे जो नीचे ड्राइवर और चौकीदार, इस पे दे अगर इसके लिए आपने अप्लाई, इस पर आप क्लिक कर ले, ठीक है। यहां पे आपका पोस्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ड्राइवर, नायब कासे, चौकीदार। मिसाल ड्राइवर के लिए करना चाहते हैं टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर दें, रीजन सेलेक्ट कर दें, मिसाल मैं KPK का रीजन। कोटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप जनरल पे कर ले। आपका एक्सपीरियंस है या रिटायर्ड हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना, मैं अगर फॉर्म फिल करूंगा तो टाइम लगेगा। यहाँ पे आप एजुकेशनल क्राइटेरिया आप लिख ले, यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप पुट कर दे, अपना तस्वीर जो है पासपोर्ट साइज़ वो भी अपलोड कर दे, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट अपलोड कर दे, शनाख्ती कार्ड का बैक अपलोड कर दे, डोमिसाइल अपलोड कर दे, और अपने लाइसेंस का फ्रंट साइड। तो इसको आई हेयर बाई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर दे, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन सक्सेसफुली आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। मज़ीद अगर किसी को कोई इसमें मसला था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 0330-61-0151-15 पे भी रब्ता कर सकते हैं, या कॉल नंबर 0330-53-21-135 पर कॉल करके भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है ना अप्लाई करना है तो आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई करते दौरान अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो हमें कमेंट करें, हम इस पे मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे।